दोस्तों आपने पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें तो देखी होगी कि पेट्रोल डीजल जो सस्ता होने वाला इस साल 2024 में, राइट। तो अभी पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें भी जारी हो चुकी हैं। आज कितने रुपए लीटर बिक रहा तेल, मैं आपको लेटेस्ट रेट तो बताऊंगा ही, साथ ही ये भी जानेंगे दोस्तों कई शहरों में सस्ता हो चुका है पेट्रोल डीजल, अभी के क्या ताजा रेट चल रहे हैं। इसके अलावा एक शानदार खबर महंगाई से आम आदमी को राहत देने वाली ये आ रही है कि जल्द ही 10 रुपए तक कम हो सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। आखिर ये कीमतों में गिरावट कब हो सकती है, कब तक, मतलब सरकार इस साल 2024 में कब तक ये पैसों में कमी कटौती कर सकती है पेट्रोल के रेट में। और इसके अलावा ये भी जान लेना चाहिए आपको कि आखिर सरकार क्यों कटौती करने वाली है, तो इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग वजह है दोस्तों। एक तो पिछले एक साल में क्रूड ऑयल यानी कि जो कच्चा तेल जिससे पेट्रोल बनता है उसके दाम में 15% तक की गिरावट देखी गई है, और क्रूड ऑयल में इतनी गिरावट आने के बावजूद अभी तक भी आपको बताऊंगा पेट्रोल डीजल से आम आदमी को राहत तो मिली नहीं है। इसलिए अब तेल कंपनियां कीमतों में गिरावट कर सकती है, मतलब सरकार भी टैक्स वगैरह में कटौती कर सकती है पेट्रोल डीजल पर। अच्छा, इसके अलावा जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं ओएमसी, उनका तेल कंपनियों का मुनाफा भी अच्छा खासा बढ़ चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने दोस्तों तो इस मामले से जुड़े आधिकारिक सूत्रों का यह कहना है कि अगले महीने फरवरी में पेट्रोल डीजल में ये बड़ी कटौती की जा सकती है। अच्छा, इसके पीछे भी कुछ और वजह है। एक तो ये दोस्तों कि हर साल आपको बताऊंगा फरवरी महीने में सरकार की तरफ से आम बजट जारी किया जाता है ना, तो बजट के दौरान आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए सरकार पेट्रोल डीजल पर ये कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि इस साल लोकसभा चुनाव 2024 भी होने वाले हैं, तो इलेक्शन के माहौल के दौरान सरकार आम आदमी को लोगों को लुभाने के लिए भी जाहिर सी बात है पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती कर सकती है। अभी क्या अपडेट चल रहा है स्टेटस देखिए जरा। अभी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां ना वो लगभग 10 रुपए की कमाई कर रही है प्रति लीटर तेल पर, इतना अच्छा खासा प्रॉफिट उठा रही है। ये ताजा रिपोर्ट्स कहते हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अभी प्रति लीटर ग्राहकों से 10 रुपए का मार्जिन ले रही है, हालांकि वो चाहे तो इसे ग्राहकों को वापस पास कर सकती है, क्योंकि तेल कंपनियों ने वैसे आखिरी बार अप्रैल 2022 में पेट्रोल डीजल के दाम घटाए थे, उसके बाद कभी कम नहीं हुए। अभी देश के ज्यादातर हिस्सों की बात करें तो पेट्रोल 100 रुपए और डीजल 90 के आसपास चल रहा है, राइट, 100-90 से ऊपर ही होगा लेकिन कम नहीं है। ऐसे में अब पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने का कदम महंगाई को कम करने में मदद कर सकता है, और 2024 के आम चुनाव में ये सरकार का एक महत्वपूर्ण फैसला भी हो सकता है, और ये फैसला कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार के लिए फायदेमंद भी हो सकता है, क्योंकि चुनावी माहौल के बीच सरकार अगर आम लोगों को महंगाई से ये राहत देना तो आम जनता भी प्रभावित होगी, है ना। वैसे अभी देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल के रेट लिस्ट क्या चल रहे देखिए आप। दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, रायपुर, मुंबई और भोपाल वगैरह में आप देख सकते हैं अधिकतर जगहों पर पेट्रोल 102, 106, 108 चल रहा है, हालांकि दिल्ली, चंडीगढ़ में 96 ही है, और डीजल 89, 84, 93, 95, 94, 93 रुपए प्रति लीटर इन प्रमुख शहरों में चल रहा है। लगभग देश के ज्यादातर जगहों पर यही रेट है। जनरली जो दोस्तों पेट्रोल डीजल के दाम होते हैं ना वो चार बातों पर निर्भर करते हैं मुख्य रूप से। एक तो कच्चे तेल की कीमत, क्रूड ऑयल की कीमतें क्या चल रही है, वो अभी मैंने आपको बताया 15% सस्ता चल रहा। दूसरा, रुपये के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की कीमत क्या चल रही है, तो वो लगभग फ्लैट ही चल रहा है पिछले एक साल भर से, थोड़ा बहुत ऊपर डाउन, एक दो रुपए तीन रुपए ऊपर डाउन देखा गया होगा। तीसरा था केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वसूला जाने वाला टैक्स, जो कि हमारे देश की सरकारों के ही हाथ में है, वो जब चाहे इस टैक्स में कटौती कर सकती है। और चौथा आता है देश में फ्यूल की मांग कितनी है, तो एवरेज मांग वही रहती है, कभी कभी जैसे लॉकडाउन था उस दौरान गाड़ियां नहीं चल रही थी तो फ्यूल की मांग कम हो गई थी, है ना। तो मार्केट में जब किसी चीज की डिमांड कम हो जाती है ना, तो ये कॉमर्स का एक मार्केट का रूल है, डिमांड कम होगी सप्लाई बढ़ेगी तो वो चीज सस्ती मिलेगी आपको मार्केट में, अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम हो रही है तो वो चीज आपको महंगी मिलेगी। ये कॉमर्स का रूल, छोटा सा बेसिक प्रिंसिपल आपको बताऊंगा, ये हर बिजनेस में काम आता है, इसे ध्यान रखना हमेशा। अब पेट्रोल डीजल पर टैक्स का गणित भी समझ लीजिए। अभी पेट्रोल डीजल की बेस प्राइस जो है ना वो 57-58 रुपए के लगभग चल रही है। भाड़ा होता है इस पर कुछ पैसे, 20-22 पैसे। एक्साइज ड्यूटी लगाती है सरकार इस पर 19 रुपए, 20 रुपए, 15 रुपए के लगभग। पेट्रोल और डीजल दोनों का कंपैरिजन बता रहा हूँ, ये टेबल में देख लीजिए आप। और डीलर कमीशन होता है लगभग 3.5-2.5 रुपए। वेट टैक्स लगता है 15 रुपए, 13 रुपए, और कुल कीमत हो जाती है इस तरह से 96 रुपए से 89 रुपए। ये दिल्ली का टैक्स का गणित बताया मैंने आपको, बाकी कुछ अलग अलग राज्य सरकारों के हिसाब से अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स अलग हो सकते हैं ना। तो ये तो मैंने आपको मार्केट के सारे फंडामेंटल्स बता दिए पेट्रोल डीजल के रेटों से जुड़े। आप तक किस प्रोसेस से पहुंचता है पेट्रोल डीजल, ये भी प्रोसीजर आप पूरा इस टेबल में इमेज चार्ट स्लाइड में देख सकते हैं। चलिए, और एक न्यूज अपडेट है, गूगल पे से अब आप विदेश में भी यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। कंपनी ने एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है, और ईपीएफओ ने भी एक बड़ा फैसला लिया। अब आप अपने ईपीएफओ के अकाउंट में यानी कि पीएफ खाते वगैरह में अगर डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहते हैं तो आधार कार्ड को अपडेट करेक्शन की डॉक्यूमेंट लिस्ट से ईपीएफओ ने हटा दिया, यानी कि आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ के लिए कोई प्रूफ नहीं माना जाएगा। इसी तरह के बहुत सारे महत्वपूर्ण सरकारी फैसले और काम की खबरें मैं आपको डेली डीएलएस न्यूज चैनल के ऊपर बताता हूँ। आज भी तारीख वाइज देख लीजिएगा, सुबह का जो टुडे ब्रेकिंग न्यूज का मॉर्निंग बुलेटिन वीडियो आता ना, उसमें आपको डेली के डेली कई इंपोर्टेंट खबरें मिल जाती है। ये तो मैंने आपको कुछ हाइलाइट्स बताए, और बाकी ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारी देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और भी आपके मन में कोई सवाल है दोस्तों तो कमेंट करके पूछिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।